फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कल मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, मेरे प्यारे मित्रों, वो सभी एग्जाम आपका कैंसिल कर दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों। और 6 माह के अंदर आप लोगों की एग्जाम जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोबारा कराया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग, 6 माह का समय है, उससे पहले आप लोग जो है आज ही से तैयारी में लग जाइए। आने वाले एग्जाम के लिए समय भी आप लोगों को मिल गया है, तो अच्छी बात है मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि 1 महीने के अंदर एग्जाम हो गया था, इसलिए आप लोगों को समय भी नहीं मिल पाया था तैयारी करने के लिए। तो आज ही से लग जाइए, समय बहुत है। 4-5 महीने आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए और अपना एग्जाम जो है आप क्लियर करिए यूपी यूपी पुलिस का। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सब आप ही लोगों की वजह से हो पाया है। सभी शिक्षकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्रों, जिन्होंने सभी बच्चों के साथ में पूरा सहयोग दिया और सभी स्टूडेंट ने भी सहयोग दिया मेरे प्यारे मित्रों। तो इस आंदोलन में आप सभी गुरुजनों एवं शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है मेरे प्यारे मित्रों। तो आज ही से अब आप लोग जो है कहीं ध्यान ना लगाते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। और ये सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, समय भी मिल गया है, और अच्छे से तैयारी करिए और आने वाले एग्जाम को क्रैक करिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आप लोगों को डेली सेशन तो लेते ही हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैथ का हमारा जबरदस्त सेशन डेली शाम को 7 बजे आता है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जो है एकदम अच्छे से तैयारी करिए आने वाले एग्जाम के लिए। और मैं सिर्फ यूपीपी वालों के लिए ही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप इसमें अगर अच्छा स्कोर बना के चलेंगे तो चाहे जो एग्जाम देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसमें आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप जो है अपने इस सब्जेक्ट में पकड़ बना के रखिए और अपनी तैयारी आज ही से चालू कर दीजिए यूपीपी का। ये री एग्जाम आप लोगों का दोबारा होगा, तो आयोग की वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जब परीक्षा की तिथि घोषित होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज ही से आप लोग लग जाइए, हम एकदम तैयारी आप लोगों की जी जान से कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों, अच्छे से कराएंगे और मेहनत से कराएंगे। तो आप लोग माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले सभी वीडियो के। तो जो भाई बहन जुड़े हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। जीके जीएस की क्लासे हम आप लोगों को डेली दे रहे हैं, मैथ का सेशन आप लोगों को डेली दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए डेली चल रही है आप लोगों की मैथ की क्लासे, और जीके जीएस की भी क्लासे आप लोगों की डेली चल रही है। करंट अफेयर और रीजनिंग की बहुत जल्द आप लोगों की क्लासे शुरू होने वाली है आज ही से मेरे प्यारे मित्रों। तो आप सभी माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए बिना किसी पैड कोर्स के। हमारी यूट्यूब पे क्लासे एकदम बिल्कुल फ्री हैं। तो आप सभी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मित्र हमारे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, इससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हम आप लोगों को मैथ की तैयारी एकदम ऐसे तरह कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों, कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको मैथ से कभी भी डर नहीं लगेगा। और एग्जाम को मेरे प्यारे मित्रों, एग्जाम में मैथ के सब्जेक्ट को आप पूरा का पूरा नंबर लेके आएंगे, ये मेरा मानना है। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि अपने मित्रों को एकदम इजी कॉन्सेप्ट, इजी ट्रिक के माध्यम से बताएं। और मेरे प्यारे मित्रों,
10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए हम फास्ट रिवीजन को एक आप लोगों को कराते हैं मैथ का, तो इसलिए आप हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। और जो मित्र अभी तक हमारे इस सेशन से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों हमारे इस सेशन को, जिससे हमारे सभी मित्रों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो मैं सुखराम यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ अपने इस सेशन में। तो मेरे प्यारे मित्रों जल्द से जल्द जुड़ जाइए आप लोग, और सेशन तुरंत चालू होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो हम आज आप लोगों को मैथ का जो चैप्टर है मेरे प्यारे मित्रों पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ, टाइम एंड वर्क का। तो आप सभी धुआंधार सेशन है, लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों कि आपको जो है डेली का डेली प्रैक्टिस और रिवीजन करना ही है। डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं कि मैथ सेशन हमने कितना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाया है। जो भाई बहन और मित्र जो है पढ़ना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, तो जाके आप सभी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी एक अच्छे से रूप में कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आज ही से यूपीपी का जिन भाई बहनों का एग्जाम है वो आज ही से लग जाएं और 4-5 महीने खूब मेहनत कीजिए आने वाले एग्जाम के लिए, जिससे आपको जो है कोई कठिनाई ना हो और सिलेक्शन आप जो है लेके आए। तो इसी आशा के साथ चालू करते हैं हम सेशन को और लेते हैं धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। ज्यादा समय ना लेते हुए अपने मित्रों का सीधे चलते हैं सेशन पर और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग एकदम बेसिक से सीखिए और मेरे प्यारे मित्रों एकदम शुरुआत से जानिए मैथ को। हमारे सेशन में तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने मैथ नहीं सीखा है, तो अच्छे से आप सेशन को वॉच करिए और एकदम तैयारी अपनी जो है स्ट्रांग तरीके से बनाइए आने वाले एग्जाम के लिए। हम आप लोगों को हमेशा बेसिक से बताने का प्रयास रखता हूं मेरे प्यारे मित्रों। मैं सुखराम यादव आप सभी को एकदम बेसिक से बताने का और इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को मैथ का चाहे जो भी सवाल हो चाहे जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों एकदम बेसिक से ही बताएंगे। तो आज ही से माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल पर ले जाइए आने वाले एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे मित्रों आप क्रैक करिए, यही मेरी आप लोगों को शुभकामना है। तो चलिए इसी आशा के साथ आज का हम सेशन चालू करते हैं और लेते हैं धुआंधार सेशन। तो मैथ में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ, चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। समय एवं काम पार्ट है हमारा 3। आप डेली सेशन को अच्छे से वाच करिए, अगर आप अच्छे से और पूरा वाच करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, एकदम दिमाग में बैठेगा, ये मेरा मानना है। और आने वाले एग्जाम को चाहे जिस भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा मैथ से, एकदम डर दूर कर देंगे आप लोगों का मेरे प्यारे मित्रों। आप देखते जाइए कितनी फास्ट ट्रिक क्विक माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन को हल कराते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जो मित्र हमारे नए हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। यही आप जो है कोर्स अगर किसी दूसरे चैनल पे जाएंगे तो आपको पैड कोर्स देंगे और आपको जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए आप जो है एकदम यूट्यूब पे हमारा बिल्कुल फ्री
कोई पेड कोर्स नहीं है, चाहे जो कोर्स आप पढ़े मेरे प्यारे मित्रों, जो भी सेशन आप ले रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, कोई पेड कोर्स नहीं है। इसलिए आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। हम अपने बच्चों से एक भी रुपया कोई पेड कोर्स का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा मेरे प्यारे मित्रों, तो आप माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिए। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और लेते हैं एक शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को टाइम एंड वर्क का कराते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन को हल कराने चल रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ए व बी मिलकर कह रहा है किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि ए उस काम को 10 दिन में व बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए फास्ट ट्रिक हम पहला आप लोगों को बता दे रहे हैं, दो ट्रिक आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो अपनाइएगा। चलिए तो कह रहा है पहला मेरे प्यारे मित्रों, 10 दिन में व बी उस काम को 15 दिन में। तो देखिए यहां पर लिखेंगे 10 × 15, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आप लोग समझते जाइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैथ आपका इतना आसान कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने मैथ कहीं पढ़ा। चलिए 10 × 15 और 10 + 15 मेरे प्यारे मित्रों ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखिए 15 × 150 और ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो गया हमारा 25। इसको इसको हमने काट दिया मेरे प्यारे मित्रों, 25 × 25 तो ये हमारा आया 6 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, तो 6 दिन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया मेरे प्यारे मित्रों। एक विधि ये हो गया, आप एग्जाम में एक विधि ये अपना सकते हैं, मान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए और दूसरी विधि आप लोग देखिए, दूसरी विधि आप लोगों को दूसरी विधि बता रहे हैं, ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि ए उस काम को, तो यहां पर लिखेंगे ए के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ए के कार्य करने की क्षमता मेरे प्यारे मित्रों कितना है, तो यह है, नोट कर लीजिए आप लोग, ए के कार्य करने की क्षमता कह रहा है 10 दिन है, तो यहां पर लिखेंगे 1/10 और प्लस बी के कार्य करने की क्षमता, बी के कार्य करने की क्षमता, नोट करते चलिए आप लोग, बी के कार्य करने की क्षमता मेरे प्यारे मित्रों कितनी है, तो बी के कार्य करने की क्षमता 15 दिन है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों ए प्लस बी दोनों के, ए प्लस बी दोनों के कार्य करने की, ए प्लस बी बराबर दोनों के कार्य करने की क्षमता। तो इसको हम मेरे प्यारे मित्रों इस तरह से लिख देंगे 1/10 और प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15 मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिख देंगे। और दोनों का हम अगर एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारा आएगा 30, 30 आएगा, 30 में हम 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, और 15 × 30। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, तो ये हमारा हो गया 3 × 2 = 5, 5/30, 5/30 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम इसको इसको काटेंगे तो 1 × 5 = 5 और 1 × 6 = 6, 5 = 30, 1/6 आ गया मेरे प्यारे मित्रों हमारा, 1/6 आ गया। अब देखिए तो हम ये लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, जब 1/6 आ गया हमारा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए
ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता कितना दिन आ गया हमारा? 6 दिन। 6 दिन, तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिन हमारा आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 6 दिन आ गया ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता। बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझा दे रहे हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए, ए व बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि ए उस काम को 10 दिन में व बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए यहां पर हमने लिख दिया ए 10 और दूसरा कितने दिनों में? 15 दिन में। और यहां पर लिख दिया 10 प्लस 2, सॉरी 10 और प्लस 15। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर ए का दिन लिख दिए और ये दोनों को जोड़ दिए, ये इसके हम इससे गुणा कर दिए, ए भाई ए गुणे बी और ए प्लस बी, हमने इसको इस तरह से लिख लिया, 150/25 कर दिए हमारा। अगर 150 का काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों 25 से, तो 6 बार जाएगा, छठवां 6 दिन दोनों मिलकर काम को पूरा कर सकते हैं उस काम को। बस राइट आंसर आ गया हमारा। इसमें है देखिए, दूसरी विधि में देखिए, ए के कार्य करने की क्षमता 1/10 है और बी के कार्य करने की क्षमता 1/15 हम मान ले रहे हैं, और ए प्लस बी दोनों के कार्य करने की क्षमता एक, हमने इसको दोनों जोड़ लिया तो 1 प्लस 10, 1/110 और +1/115। तो 10 15 का हमने एलसीएम ले लिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमारा आ गया 30। 30 और 10 से भाग दिया 30 में, तो 3 बार गया और 15 दूना 30 हमने यहां पर लिख दिया, दोनों को जोड़ लिया 5/30 हो गया, काटा हमने 5 1 5, 6 5 6 25 30। छठा दिन ए प्लस बी, इसलिए ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6 दिन। ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता 6 दिन मेरे प्यारे मित्रों, राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ गया। तो दोनों विधि हमने आप लोगों को बता दी, ये प्रथम विधि थी, ये द्वितीय विधि थी। आप लोग चाहे जिस विधि से मेरे प्यारे भाइयों बहनों लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि आपको दोनों विधि समझ में आ गया होगा। तीसरी विधि हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बता रहे हैं, ट्रिक है हमारा, नोट करिए ट्रिक, तीसरा ट्रिक आप लोग बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। मान लीजिए 10 दिन लिखा है, यहां पर हम 10 दिन लिखती है, ए का 10 दिन मान लिए और बी का, सॉरी बी का हम यहां पर दिया है 15 दिन, बी यहां पर लिख दिए, दोनों का हमने क्या किया एलसीएम ले लिया मेरे प्यारे मित्रों, तो हमारा आ गया 30। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो 2 पंचे 10 और ये 15 यहीं पर रहने दे रहे हैं, 5 1 5, 5 3 15, 2 × 5 और × 3, 2 पंचे 10 = 30। हमारा एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों? 30। अब देखिए 15 × 30 और 10 = 30, इसको हमने कुछ नहीं किया, 3 + 2 / 30, इतना मत करना करने जाइए मेरे प्यारे मित्रों, बस इतना ही कर लीजिए। तो 3 2 5, 5/30 हो गया, इसको इसको हमने काटा, 1/6 आ गया मेरे प्यारे मित्रों। तो हमारा आंसर कितना आया? 6 दिन। इस ट्रिक से भी 6 दिन आया, इस ट्रिक से भी 6 दिन आया, और दूसरी भी ट्रिक से 6 दिन आया। तो आप चाहे जो ट्रिक अपनाइए मेरे प्यारे मित्रों, तीनों ट्रिक हमने बता दिया। आप लोग एग्जाम में जब भी जाए तो टाइम मैनेजमेंट करिए कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन को हल कर ले, इसलिए हम आप लोगों को एकदम फास्ट ट्रिक क्विक रिवीजन करा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों मैथ का। तो आपको अगर हमारा पढ़ाने का नजरिया अच्छा लग रहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अपने इस भाई के लिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए एकदम अच्छी तैयारी के लिए, बेहतरीन मैथ पढ़ने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे बैंक SSC या स्टेट एग्जाम मेरे प्यारे मित्रों, या UPP, हम आप लोगों को मैथ इतना आसानी से बताएंगे कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आपको लगेगा कि हाँ हमने मैथ कहीं अच्छे से पढ़ा। तीन तीन ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं,
तो इसलिए आप चाहे जो ट्रिक अपना के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, और जो भाई बहन आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, जो मित्र हमारे जो भाई बहन इसको नहीं नोट किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग नोट करते रहना, एक नोटबुक बनाइए मैथ का और डेली प्रैक्टिस करिए, डेली सेशन को वॉच करिए, मैथ एकदम आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। और मेरे प्यारे मित्रों सेल्फ स्टडी अपना खूब मजबूत करिए, सेल्फ स्टडी जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो आपका उतना तैयारी अच्छे लेवल से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है सेल्फ स्टडी अपना खूब मजबूत करिए, थोड़ा हम मेहनत करेंगे थोड़ा आप करेंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो मित्र हमारे नहीं लिए हैं ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी सी, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिन में करते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो विधि आप लोगों को बताने जा रहे हैं, 10 × 12 और × 15, 10 × 12 और × 15 मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम इस तरह से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 × 12 और प्लस मेरे प्यारे मित्रों 10 × 12 हो गया और ये हो जाएगा 12 + 15 और गुड़े, यहां पर नोट करते चलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए, 10 × 12 + 12 × 15 + यहां पर हो गया प्लस, अब आप लोग नोट करते चलिए 10 × 15 भाई, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए मेरे प्यारे मित्रों यही सब इसमें अपना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते चलिए, अगर हम इन सब को जोड़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो देखिए यहां पर आ गया हमारा 10 × 12 × 15, अब 12 × 120 + 12 × 15 मेरे प्यारे मित्रों अगर गुणा करें, यहां पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों मिस्टेक हो गया है, 12 × 15 होना चाहिए प्लस लग गया था, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 और अगर 15 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 180 और 10 × 15 करेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो हमारा आएगा 150। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है हमारा सेशन तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कंजूसी मत करिए। चलिए तो 10 × 12 × 15 120 + 180 + 150, अब हम यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 10 × 12 × 15, इसको अगर जोड़ रहे हैं 120 180 कितना हो जा रहा 200 और ये हो गया 450, ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों 450, अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 4, यही 4 क्या हो गया 4 दिन। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे, यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे मित्रों राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देख लीजिए आप लोग जब काटेंगे इसको तो 4 आएगा, तो देखिए 1 0 1 0 यहां कट गया मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1 0 से 1 0 यहां कट गया, अगर हम इसको काटेंगे तो 9
9 5 45, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 9 5 45 और 3 5 15, 1 3 3 और 3 3 9, ये कट गया 1 3 3 और ये हो गया 4। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों 4 दिन तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आया है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का अंदाज कैसा है आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। एक विधि हमने ये बता दी आप लोगों को, अब चलिए दूसरी विधि आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे मित्रों दूसरी विधि आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हम मान ले रहे हैं ए 10 दिन में कर रहा है, ए कितना का 10 दिन में कर रहा है, बी हमने मान लिया 12 दिन में कर रहा है, और सी मान रहे हैं 15 दिन में। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखते चलिए। बी मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखते चलिए। चलिए अब भी मेरे प्यारे मित्रों 10 12 15 दिन में कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इस क्वेश्चन का अब इसका हम लेंगे 10 12 15 का एलसीएम। 10 12 लेके देख लेते हैं कितना आएगा। 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 2 5 10 और 2 6 12 और 15 यहीं पर रहने दे रहे हैं। फिर यहां पर हो जाएगा 5 2 3 6 और ये 15 यहीं पर रहने दे रहे हैं। 5 1 5 3 और 5 3 15, 3 ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों। तो दो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 2 4 5 20, 20 3 60, 60 हमारा आ गया एलसीएम। 10 12 15 का एलसीएम मेरे प्यारे मित्रों कितना आया 60। 2 2 4 4 5 20 और 20 3 60। अब देखिए 60 में अगर हम भाग दे रहे हैं 10 का तो 10 6 60, 6 हम यहां पर लिख दे रहे हैं। 12 का अगर भाग दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों तो 5 बार जा रहा है। 15 का भाग दे रहे हैं तो 4 बार जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब देखिए इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के एक साथ कार्य करने की क्षमता, तीनों के एक साथ कार्य करने की क्षमता क्या है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर लिखेंगे देखिए बराबर 6 प्लस 5 प्लस 4 बटे 60। 6 प्लस 5 प्लस 4 मेरे प्यारे मित्रों बटे 60। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 4 15, 15 बटे 60। बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको काटेंगे 15 51 15 और 15 4 60। बताइए 1/4 इसमें भी आ गया तो हमारा आंसर क्या आया। 4 दिन तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम को पूरा करेंगे 4 दिन में। तो चाहे आप प्रथम विधि अपनाइए मेरे प्यारे मित्रों या द्वितीय विधि, आप लोगों को इसमें दो विधि बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपनाइए एग्जाम हॉल में। और क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के मत आइए, पूरा करके आइए। कम समय में 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप अगर जानते हैं बनाना मेरे प्यारे मित्रों तो आप बना ले जाएंगे अगर ट्रिक जानते हैं। तो ये दूसरा ट्रिक है, ये प्रथम विधि है मेरे प्यारे मित्रों। जो ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगे वो अपनाइए और कम समय में क्वेश्चन को हल करके आएंगे, ये मेरा मानना है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कंजूसी मत करिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को इतना शेयर करिए मेरे प्यारे मित्रों कि लगे कि हाँ हमारे बच्चे इस चैनल पे पढ़ते हैं। चलिए तो आशा करता हूं कि आप जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जो मित्र हमारे इसको नहीं नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, और जो भाई बहन हमारे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए
तो इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करे तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, सेम हम आप लोगों को वही 2 ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं जो पहले बताए हैं, सेम उसी तरह से अपनाइए मेरे प्यारे मित्रों और क्वेश्चन को हल करिए। तो चलिए, ए बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं कह रहा है, तो हम लिखेंगे 6 × 15। 6 × 15 मेरे प्यारे मित्रों, और बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो मेरे प्यारे मित्रों 15 माइनस 6 भाई बी 15 दिन में और बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे मित्रों 15 × 6 देखिए आप लोग 6 × 15 15 - 6 तो ये हमारा होगा मेरे प्यारे मित्रों 6 × 5 = 30 6 × 6 = 15 × 6 = 90 और ये हो जाएगा हमारा 9। भाई 15 में से 6 जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो कितना होगा, तो ये होगा 9। इसको अगर काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 × 9 तो ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 10। तो बी कह रहा है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी जो है 10 दिन में, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों बी अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेगा। 10 दिन में मेरे प्यारे मित्रों पूरा करेगा। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों 10 दिन। 10 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम थोड़ा सा आप लोगों को लिखा दे रहे हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर, चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं ए व बी मिलकर, बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों। ए व बी मिलकर किसी कार्य को हम मान ले रहे हैं x दिन में करते हैं। ए व बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ए अकेला उसे, यहां पर लिखेंगे ए अकेला उसे y दिन में क्या करेगा y दिन में मेरे प्यारे मित्रों पूरा करे तो बी अकेला उस काम को मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करते चलिए। बी अकेला उसे यहां पर लिखिए x गुणे y और मेरे प्यारे मित्रों x गुणे y हो गया लिख देंगे, और यहां पर लिखेंगे y - x। इस फार्मूले पे हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये रूल है आप लोगों को पहला हमें लिखा दिए हैं जिस रूल पे हमें इस क्वेश्चन को सेट करना है। तो बताइए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना जरूर जवाब दीजिए हमें। वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है।
चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और इसी को हम दूसरे रूल से, आपको दूसरे ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक ट्रिक आप लोग और देखिए। एक ट्रिक, ए मान लिए और ये बी मान लिए, ए व बी। तो ए कितने दिन में हम मान रहे हैं, ये 6 दिन में कर रहे हैं, ए 6 दिन में कर रहे हैं और बी मान रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों ये 15 दिन में कर रहे हैं। ए 6 दिन में कर रहे हैं, बी 15 दिन में कर रहे हैं। तो 6 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो कितना आएगा, 30। बताइए, सच कह रहा हूं, 30 आएगा ना। तो चलिए 30 आएगा, 6 का अगर हम भाग देंगे 30 में तो 5 बार जाएगा और 15 का अगर भाग देंगे 30 में तो 2 बार जाएगा। देखिए ये 5 बार गया, ये 2 बार गया। अब इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, देखिए यहां पर लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी मेरे प्यारे मित्रों दोनों। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ए और बी के कार्य करने की क्षमता मेरे प्यारे मित्रों बटे 30, 30 हो गया। अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, 2 सॉरी यहां 2 रहेगा, ये 2 हो गया। 5 में से 2 घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों तो कितना आएगा, 3 आएगा और बटे 30 कर देंगे। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 दिन यही क्या हुआ, बी के कार्य करने की क्षमता, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाहे आप वो विधि अपनाइए एग्जाम हॉल में, चाहे ये विधि अपनाइए, दोनों ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए आप जो है अच्छे से सेशन को वॉच करिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों। और आपकी तैयारी चाहे यूपीपी का हो या फिर एसएससी का हो या रेलवे का हो मेरे प्यारे मित्रों, एकदम जबरदस्त तरीके से कराएंगे। मैथ आपको लगेगा कि नहीं कि हमको कठिन लग रहा है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बेसिक से आप लोगों को बताते चलेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं सुखराम यादव आप सभी को हमेशा से बेसिक से बताने का प्रयास रखूंगा और जो भाई बहन इस चैनल पे जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसको मिटाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, इसको हमने मिटा दिया। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बताइए आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एकदम धुआंधार सेशन था मेरे प्यारे मित्रों। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए कि सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे प्यारे मित्रों। और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे आप लोगों को मानेंगे कि आप लोग जो है आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि सेशन अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी बताइए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जो भाई बहन या मित्र हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी एकदम जीरो से ऊपर की तरफ ले जाएं मेरे प्यारे मित्रों। हम उनको एकदम अलग अंदाज में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एकदम शून्य से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो आप लोगों को एकदम उच्च लेवल पर ले जाने के लिए। तो अपनी तैयारी माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ के एकदम स्ट्रांग बनाइए। मैथ जो है एकदम हम आपका आसान बना देंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है सेशन आपने लिया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इतना शेयर करिए कि इस वीडियो को मेरे प्यारे मित्रों की बहुत दूर तक ये वीडियो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप जरूर शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे मित्रों
और यूपीपी वालों के लिए बहुत ही खास यह सेशन था मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूंगा। और अब हमारा जो सेशन जितना भी चलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एकदम बेहतरीन सेशन चलेगा। चाहे जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, एकदम कोई पेड कोर्स नहीं है, अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए। जितना भी सेशन हमने लिया है प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पढ़ा है, आप जाके देखिए, एकदम बेहतरीन पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाएंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी एकदम शुरुआत से करने के लिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़े। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए, हम आप लोगों को एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे एग्जाम हॉल में, ये मेरा मानना है। चलिए इसी आशा के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए।